हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे हरियाणा को खुशहाल और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए आने वाले समय में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा है कि युवा शक्ति ही देश और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। मुख्यमंत्री चरखी दादरी में युवाओं के राज्य स्तरीय कार्यक्रम नव तरंग शहीदों को नमन में बतौर मुख्य अतिथि युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 70 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। आज मन गदगद हो रहा है आप लोगों को यहाँ देखकर। ये युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य, इस भविष्य को सामने देखकर मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि आज का युवा यही हमारे देश का कर्णधार है। इस युवा ने इस देश की आजादी की यदि याद करें तो इस देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए बलिदानियों के जत्थे के रूप में, क्रांतिकारियों के जत्थे के रूप में एक से एक आगे बढ़ने की होड़ को लेकर के जो उस समय काम किया, जिसके कारण से हमको आजादी मिली, आज अगर हम सब लोग खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं तो ये मेरी युवा शक्ति है जिसका सारा श्रेय उसको जाता है। सामने ये बसंती रंग की पगड़ियां मैं देख रहा हूं तो याद आ रहा है वो गाना कि रंग दे, एक बार बोल के दिखाएंगे, रंग दे बसंती चोला मेरी माए, रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन के निकला ये मस्तों का टोला, चोला माए रंग दे बसंती चोला। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।